आज बनाएंगे शाही पनीर, जो खाने में बिल्कुल ढाबे जैसे स्वाद वाली होगी। चलिए इसे बनाते हैं घर पे बहुत ही आसान तरीके से। शाही पनीर बनाने के लिए कढ़ाई में तेल और घी दोनों आधा आधा लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें स्लाइस में कटे हुए दो प्याज डालेंगे। इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च डालेंगे। प्याज को खड़े मसाले को भून लेंगे। प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे। प्याज का कलर हमें डार्क नहीं करना है, अदरक लहसुन के कच्चेपन की स्मेल को दूर करने तक हमें इसे भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया है, अब इसमें रफली चॉप किए हुए चार टमाटर डालेंगे। इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर को अब सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। शाही पनीर में हमने दो प्याज लिए हैं और चार टमाटर लिए हैं, ये एकदम सही रेशो होता है शाही पनीर बनाने का। इसमें दो तीन कटी हरी मिर्चें डालेंगे, 15-20 काजू डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे इन्हें। टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं। एक कटोरी में ताजी दही लेंगे, इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। मसाले को दही में मिला लेंगे अच्छे से। कढ़ाई में अब दही डाल देंगे, जिसमें हमने मसाले मिक्स किए हैं। दही को अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। अब इसे ढक के 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, साइड से मसाले ने हल्का हल्का घी छोड़ दिया है। मसाला अभी अच्छे से नहीं भुना है, इसे थोड़ा और भून लेंगे। मसाला भुन गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें 1 कप पानी डालेंगे। मसाला जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी प्यूरी बना लेंगे। मसाला अब ठंडा हो गया है, इसे मिक्सी के जार में डालकर इसकी फाइन प्यूरी बना लेंगे। अब प्यूरी को छान लेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की बनेगी। अब कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे 8-10 सेकंड के लिए लो फ्लेम में भून लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से शाही पनीर में बहुत ही सुंदर कलर आता है। अब इसमें शाही पनीर की ग्रेवी डाल देंगे। मिला लेंगे इसे और एक उबाल आने तक पका लेंगे। ग्रेवी में अब उबाल आ गया है, इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। पनीर को 3-4 मिनट तक ही पकाएंगे, जिससे पनीर सॉफ्ट हो जाएंगे। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, इसमें अब फ्रेश क्रीम डाल देंगे। हमने इसमें दही डाली है, इसलिए थोड़ी सी क्रीम से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे ध्यान से मिला लेंगे, जिससे पनीर टूटे नहीं। अब इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से सभी मसालों का फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। अगर आपको चीनी पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। शाही पनीर अब तैयार है, अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।